ओके देखो, एक सप्लाई एसी अप्लाई किया एक रेजिस्टर को, एक रेजिस्टर है आर जिसका वैल्यू है 30 ओम, और इसे हमने एसी टाइप का सप्लाई अप्लाई कर दिया है। उसका वोल्टेज, उसका इक्वेशन ई इज इक्वल टू 300 साइन ऑफ 3142.2 टी दिया जाता है। मतलब यहां जो सप्लाई दिया है हमने इस टाइप का सिनोसाइडल है, उसकी पिक वैल्यू ये देखते हैं हम लोग इसे, ये हम स्टैंडर्ड क्या है हमारा ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड है। व्हाट इज ई जीरो? पिक वैल्यू। तो पिक वैल्यू कितना है? 300। ऑफ कोर्स माइनस 300 भी जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे ढूंढते? देखो ओमेगा क्या है, 314.2 ओमेगा, बट व्हाट इज ओमेगा? 2πf। तो 2πf इज 314.2, वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज 314.2 अपॉन 2 इनटू 3.14। तो ये फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लेना क्या आ जाएगी, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का सप्लाई और उसका ये पिक वैल्यू आपको दे देगा। अब इस सर ये आ गया पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ 300। तो ई जीरो इज व्हाट? पिक इज इक्वल टू 300 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, देखो ये यहां से नीचे आती ना आरएमएस, वो आरएमएस कैसे ढूंढते? ई आरएमएस या ई या वी, जैसे हम लोग कुछ नहीं लिखते तो आरएमएस इज व्हाट? ई जीरो अपॉन रूट टू। फॉर्मूला याद होगा, इधर नीचे आती ना आरएमएस वैल्यू, दैट विल कम आउट टू बी 300 अपॉन रूट टू जो भी आए इतने वोल्ट। ठीक है, पिक करंट एंड आरएमएस करंट। अब सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, ओके सर्किट का जो करंट है, आपने देखा होगा रेजिस्टर में वोल्टेज इस तरह है तो करंट भी इस तरह रहता है, उसके साथ साथ चलता है, करंट का भी पिक वैल्यू बनता है। तो करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा आई ऑफ टी इज आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना, देयर विल बी नो प्लस माइनस 5। व्हाई? बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा I0 व्हाट इज साइन ऑफ व्हाट इज ओमेगा, सेम बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, दैट इज 314.2 टीआरए। अब रही बात I0 कैसे ढूंढने, तो इट इज वेरी सिंपल, I0 इज E0 अपॉन R, देयर इज नथिंग लाइक अ Z। Z कब लेंगे? अगर यहां कुछ इंडक्टर होता, कैपेसिटर होता तो यहां पे प्लस माइनस फाइव आता था और जेड आता था, जेड की जरूरत ही नहीं आ रही है। तो ई जीरो कितना है? ई जीरो 300 है आपका, तो 300। आर कितना है? 30 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा? दिस इज व्हाट आर इज वी अपॉन आर, तो I0 is E0 upon R, सिंपल है, ओम्स लॉ है अपॉन 30, दैट आउट कम्स आउट टू बी 10। मतलब I of t वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 10 साइन ऑफ 314.2 t। ठीक है, ये आ गई उसकी पिक वैल्यू। अब और क्या पूछा है? पिक करंट तो आ गया, आरएमएस करंट भी पूछा है। What is RMS current? Simple है, I RMS is what? वही formula, I zero upon root 2। मतलब देखो current की इस तरह की waveform है जहाँ पे peak value कहाँ जा रही है? 10 पे जा रही है। तो current की RMS value नीचे आएगी ना कहीं? वो कितनी आएगी? इतनी आएगी। अब I zero कितना है? I zero
होता है ये 10 दैट इज 10 अपॉन रूट 2 ये जो भी आएगा एम्पियर में आएगा ये भी एम्पियर में है समझ में आया सो तो ये कौन सा समय एप्लीकेशन ऑफ एसी टू प्योर रेजिस्टर देखो आपको एक सब एसी सर्किट दे रखा है आरएलसी सर्किट दे रखा है रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर आर दे रखा है 5 एल दे रखा है 0.2 25 टू 10 रेस टू माइनस 6 और एसी सप्लाई आपने अप्लाई करना है 200 वोल्ट ठीक है ये क्या दे रखा है एसी सप्लाई ये जो दे रखा है ये आरएमएस है देखो नहीं मेंशन नहीं रहता है तो समझ लेना है ये आरएमएस पर ये उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी मतलब ये आपका ई ई जीरो नहीं ई समझ रहे और ये उसकी फ्रीक्वेंसी अब ऐसा सप्लाई हमने इसको दे यहां पे इसका रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल और एक्सी व्हाट इज एक्सएल 2 पाई एफएल फार्मूला याद है ओमेगा एल याद है तो 2 इनटू पाई इनटू 50 इनटू एल इज व्हाट 0.2 हेनरी ये माइक्रो फैराड को मैंने फैराड कर दिया 10 रेशो माइनस ये आ रहा है ओम फिर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हाट इज दैट 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन ओमेगा C इज 1 अपॉन 2 इनटू पाई इनटू 50 इनटू C की वैल्यू क्या है 25 इनटू 10 रेस टू माइनस 6 ओम ये XC आ गया XL आ गया अब इसके मुझे आंसर बता दो बुक से जो आ रहे हैं हम लोग वो वैल्यूज ले लेंगे डायरेक्टली मतलब आरएमएस वोल्टेज ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
जेड। आर नहीं लिखेंगे अभी, क्या लिखेंगे? जेड। तो ये जो भी आंसर आएगा, मान लो ये आंसर आ गया 64.78 ओम, ये करने के बाद कैलकुलेशन, तो ये वैल्यू E कितना है 200 अपॉन 64.78, अपना करंट आ जाएगा 3.087, ये आरएमएस करंट है। समझे? पीक करंट पूछेंगे तो I0 is I into root 2, समझ रहे हैं ना? पीक करंट भी ढूंढ सकते VL, VC और cos phi। अभी cos phi क्या है? cos phi ये जो छेद होता है इससे इंपीडेंस ट्रायंगल बनता है, याद है आपको? अभी इस केस में फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? ये R, ये ऊपर JXL और ये नीचे माइनस JXC, ठीक है ना? और ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये नेट रिएक्टेंस नीचे आएगा X, तो R माइनस JX ये आएगा और ये माइनस JX को इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस JX और ये आपका आ गया Z। ये पाइथागोरस लगाया मैंने, समझे आपको? x square plus r square is z square। और ये एंगल वाला जो है ये phi, और ये रास्ते पे याद होगा आपको करंट होता है और ये रास्ते पे वोल्टेज होता है। यहाँ पे करंट आगे भाग रहा है, वोल्टेज पीछे भाग रहा है, क्यों? क्योंकि नेट रिएक्टेंस किसका स्ट्रॉन्ग है? कैपेसिटर। तो ये phi, phi कैसे मिलेगा? cos phi is R upon magnitude of Z। देखो, what is cos phi? This adjacent upon hypotenuse। समझ में आ रहा? तो cos phi क्या है? R कितना है? 5 upon magnitude of Z ही आ गया, 64.78 ये आ जाएगा cos phi, power factor। और ये पावर फैक्टर को लीडिंग बोलेंगे, क्यों लीडिंग? क्योंकि करंट आगे है। देखो, करंट अगर पीछे है तो पावर फैक्टर को लैगिंग बोलने का, करंट आगे है तो लीडिंग, तो ये लीडिंग है, समझ में आ रहा? और आपको अगर फाई पूछा तो क्या करेंगे आप? कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग, फाई अपॉन, समझ में आ रहा आपको? फेज एंगल, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल होगा, तो ये आ गया कॉस फाई। अब पावर कैसी आती है? एक्टिव पावर। देखो, जो पावर डिसिपेट होती है ना वो सिर्फ रेजिस्टर में होती है, मैंने बताया, और उसका फॉर्मूला क्या है? ई आर कॉस ऑफ फाई, याद है? एक्टिव पावर, व्हाट इज ई? 200 वोल्ट आरएमएस, 200 इनटू व्हाट इज आरएमएस करंट इनटू व्हाट इज पावर फैक्टर, ये जो भी आए टर्म आए नहीं, 5 अपॉन 64 पॉइंट, ये आ जाएगा वैट, एक्टिव पावर वैट में होती है, समझ में आ गया? अब सिर्फ क्या बचा है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट? R इनटू XL, याद है? वोल्टेज डायग्राम बनाया था मैंने, करंट को हटाया था सब में से, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखते हैं? Cp। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जे रियल और माइनस जे, क्या है? तो एक्सएल है आपके पास, करंट भी है आपके पास, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाए। आ गया समझ में सारा कैलकुलेशन? वो थ्योरी याद करो सारी, जेड वाली, समझ ला? एक सीरीज सर्किट है RLC, ठीक है? यहाँ पे AC अप्लाई कर रहे हैं, R दिया है 300 ओम, L दिया है 8 मिली हेनरी, 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 हेनरी, और कैपेसिटर 0.2 माइक्रो को 10 रेस टू माइनस 6 फैराड में कर SI यूनिट्स। आपको क्या पूछा है? इंपीडेंस एट रेजोनेंस एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, रेजोनेंस एक खास फेनोमेना है, मैंने बताया था, जब यहां की फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेती है,
तब जाके एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और नेट इंपीडेंस क्या बच जाता है आर। तो रेजोनेंस अगर होता है तो जेड इज सिंपली आर, फॉरगेट प्लस माइनस एक्स, बिकॉज एक्स बिकम्स व्हाट जीरो, व्हाई बिकॉज एक्सएल एक्सी कैंसिल आउट ईच अदर। याद है ना रेजोनेंस, मैंने बताया था रेजोनेंस में किसकी जीत होती है, रेजिस्टर्स की जीत होती है जब कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे को खा जाते हैं। तो Z आ गया आपका R, R मतलब ट्रायंगल, और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा F0, और वो F0 का फॉर्मूला याद है आपको 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, ये फॉर्मूला। ये हम कैसे डिराइव करते हैं, XL इज इक्वल टू एक्स सी लेके डिराइव करते हैं और ये फॉर्मूला। तो आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की कैसे आएगी, 1 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू रूट, व्हाट इज एल इंटू 8 इंटू इंटू सी इज व्हाट, ये जो भी आएगी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो इंपेडेंस आ गया और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, समझ में आ गया, कैलकुलेशंस सिंपल है, राइट ऑफ।